Hello guys and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udaan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udaan. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. This is my first lecture on international organization for various JKSSB exams. Now when we talk about international organization, hum primarily aur sabse zyada focus karte United Nations ke upar. आगे की ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम पहले यूएन क्या है उसके बारे में पढ़ें. सो माय फर्स्ट लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू यूनाइटेड नेशंस. ओके, लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके यूनाइटेड नेशंस के बारे में. यूनाइटेड नेशंस की बात की जाए, सो यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो 1945 में बना था. लेकिन उसके उधर जाने से पहले हम पहले बात करेंगे कि यूएन से पहले क्या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन थी जो यूएन का काम करती थी या यूएन के जैसा काम करती थी. तो यस, इट वॉज लीग ऑफ नेशंस. यूएन से पहले जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी इट वॉज लीग ऑफ नेशंस. अगर हम लीग ऑफ नेशंस की बात करें तो ये 1919 में इट वॉज क्रिएटेड एंड इट वॉज क्रिएटेड अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स और वर्सेलिस. सो अंडर द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस इन 1919 इट वॉज बीन क्रिएटेड. नाउ बहुत जगहों पे ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स लिखा होता है और बहुत जगहों पे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस भी लिखा होता है. तो आप याद रखें ये दोनों एक ही चीजें हैं. पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस या ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स 1919 दे बोथ आर सेम. और इसी के ही चलते आपका लीग ऑफ नेशंस बना था 1919 में. हाउएवर जैसे ही आपका वर्ल्ड वॉर टू हुआ 1945 में, जब ये वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ तब 1946 एक साल बाद ही लीग ऑफ नेशंस जो था वो डिसबैंडेड हो गया. सो इट वॉज डिसबैंडेड इन 1946 में लीग ऑफ नेशंस जो था वो काम करना बंद हो गया, क्योंकि 1945 में जन्म लिया था यूनाइटेड नेशंस ने. अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनाइटेड नेशंस बनाने की ज़रूरत क्या थी? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की बात करे, जो डेवलपिंग कंट्रीज को साथ लेके चले, पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशंस बना के रखे अमंग नेशंस. और अगर कोई भी बड़ा कोई चीज़ होने वाली है उससे पहले यूएन इंटरवीन करके अगर सॉर्ट आउट कर सके उन प्रॉब्लम्स को, उन चीज़ों के लिए बना था आपका यूनाइटेड नेशंस. क्योंकि 1945 में जब आपका हिरोशिमा नागासाकी में जब आपका न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो इट क्रिएटेड लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. नाउ लीग ऑफ नेशंस भी सेम एजेंडाज के ऊपर ही काम करता था, लेकिन लीग ऑफ नेशन वॉज नॉट केपेबल या वो इतना ताकतवर नहीं था और वो कैपेबल नहीं था कि वो वर्ल्ड वॉर टू को रोक सके. इसीलिए लीग ऑफ नेशंस को ख़त्म कर दिया गया और उसकी जगह 1945 में बनता है आपका यूनाइटेड नेशंस. सो 1945 में आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूनाइटेड नेशंस वॉज क्रिएटेड. अगर यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो इसका चार्टर साइन कहाँ हुआ था? इसका चार्टर वॉज साइंड एट सैन फ्रांसिस्को. सैन फ्रांसिस्को में इसका चार्टर साइन हुआ था. नाउ देर आर टू क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल इस चार्टर को साइन करने वाली कंट्रीज कितनी थी? कंट्रीज वर 51 कंट्रीज ने इस चार्टर को साइन किया. नाउ जब हम साइन की बात करते हैं उस टाइम पे कितनी कंट्रीज प्रेजेंट थी? 50 कंट्रीज प्रेजेंट थी और एक कंट्री उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं थी लेकिन उसने अपना पूरा योगदान दिया था और लेटर ऑन इसको साइन किया था. वो कौन सी कंट्री थी? इट वॉज पोलैंड. सो पोलैंड वॉज पार्ट जिसने साइन किया था चार्टर, लेकिन उस टाइम पे जब 51 कंट्री साइन कर रही थी उस टाइम सिर्फ 50 ही मौजूद थी. उस टाइम पे पोलैंड में अपने कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे थे जिसके चलते दे कुड नॉट कम. सो लेटर ऑन दे साइंड इट. बट वॉज पोलैंड पार्ट ऑफ द चार्टर? यस इट वॉज पार्ट ऑफ द चार्टर. बट वॉज इट प्रेजेंट ड्यूरिंग द सिग्नेचर्स? नो इट वॉजंट प्रेजेंट. फाइन, सो सैन फ्रांसिस्को में इसका चार्टर साइन हुआ था 26 जून 1945 में. इट वॉज बीन साइंड बट इट केम इन टू फोर्स. यूनाइटेड नेशन फंक्शन
फंक्शनल कब हुआ या फोर्स में कब आया? इट केम इन टू फोर्स ऑन 24th of October 1945, और इसी दिन को हम हर साल यूनाइटेड नेशन डे के नाम से भी मनाते हैं. फाइन, नाउ यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क. द हेडक्वार्टर्स आर एट न्यूयॉर्क. और कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है? यूनाइटेड नेशंस हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, नेमली अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पैनिश एंड रशियन. इन 6 लैंग्वेजेस के नाम आपको याद रखने, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी स्टैटिक जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको आ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन, या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पैनिश एंड रशियन, ये सारे के सारे इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. नाउ इफ वी गो बैक टू लीग ऑफ नेशंस, लीग ऑफ नेशंस के 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थे. कौन कौन सी? फ्रेंच एंड इंग्लिश. तो अगर हम लीग ऑफ नेशंस की बात करें, उसकी कितनी आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी? उसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी आपकी. कौन कौन सी थी? फ्रेंच एंड इंग्लिश. फाइन. और आपके यूएन की कितनी है? इट हैज 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस. नाउ नेक्स्ट, एट प्रेजेंट यूएन के कितने मेंबर्स हैं? At present, UN has 193 members. So it started with 51, but now at present it has 193 members. And the latest, जिसने इसको join किया है, it is South Sudan. कब join किया है? 2011 में join किया है. जब Sudan टूटकर Sudan और South Sudan बन गया, तब South Sudan ने इसको 2011 में इट बिकेम द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस. अगर हम इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें, तो प्रेजेंटली हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन? इट्स एंटोनियो ग्यूटेरेस. कहां को बिलोंग करते? ही बिलोंग्स टू पोर्चुगल एंड ही इज द 9th सेक्रेटरी जनरल. और 2017 में इन्होंने एज सेक्रेटरी जनरल का पद संभाला है. और कितने देर के लिए सेक्रेटरी जनरल बनता है यूएन का? 5 सालों के लिए बनता है. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि कितने सालों के लिए आपका सेक्रेटरी जनरल बनता है? फॉर 5 ईयर्स, फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. एंड एट प्रेजेंट इट इज एंटोनियो ग्यूटेरेस फ्रॉम पोर्चुगल, जो इसके 9th और प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं. फाइन. अगर हम यूएन की बात कर रहे हैं, सो वेरी इंपॉर्टेंटली वी टॉक अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस. ऑर्गन्स का मतलब हो गया कि यूनाइटेड नेशंस अकेला तो काम नहीं करते. जैसे आपकी बॉडी ही है, आपकी बॉडी अकेले तो काम नहीं कर सकती. यू हैव डिफरेंट ऑर्गन्स हु वर्क टुगेदर एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम्स. और फिर हम वहीं से ही चल के आपका पूरा शरीर काम करता है. सिमिलरली यूनाइटेड नेशंस ऑल्सो हैज 6 मेन ऑर्गन्स. आपको पेपर में पूछ सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस. तो कुछ भी आपको तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन आ सकता है. सो यूएन के 6 मेन ऑर्गन्स के आपको नाम तो आने ही आने चाहिए. व्हाट आर दीज? नंबर 1 इज UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशन General Assembly. This is the first. Number 2 is UNSC, that is United Nation Security Council, one of the most powerful organs of United Nation, जिसके लिए इंडिया भी बहुत ट्राई कर रहा है. Number 3 is ECOSCO, that is United Nation Economic and Social Council. This is the 3rd one. Number 4 is ICJ,
दैट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नंबर 5 इज द सेक्रेटेरिएट एंड नंबर फाइव इज द सेक्रेटेरिएट एंड नंबर 6 इज ट्रस्टीशिप काउंसिल. सो ये इसके मेन 6 ऑर्गन्स हैं. हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें से कौन सा एक ऑर्गन है जो अभी इतना फंक्शनल नहीं है, उसके बारे में हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे. बट आप अभी इतना याद रखें कि कितने मेन ऑर्गन्स हैं. इट हैज 6 मेन ऑर्गन्स. नंबर 1 इज अ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. नंबर 2 इज अ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. नंबर 3 इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हम प्यार से हेग कोर्ट ऑफ जस्टिस या वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं. नंबर 4 इज द ECOSCO, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल. नंबर 5 इज द सेक्रेटेरिएट एंड नंबर 6 इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल. ये 6 के 6 क्या है, आपके मेन ऑर्गन से यूनाइटेड नेशंस के. और इनमें से एक ऑर्गन ऐसा है जो आज के टाइम पे इतना फंक्शनल नहीं है, इतना एक्टिव नहीं है, वो हम कमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे. आज हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के पहले मेन ऑर्गन के बारे में, दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. अगर हम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें, सो व्हाट इज इट्स एजेंडा, ये किन चीजों के लिए काम करता है. इट वर्क्स करता क्या है, ये डिस्कस डिबेट एंड मेक्स रिकमेंडेशंस. ये डिस्कस डिबेट और रिकमेंडेशन करता है किन सब्जेक्ट्स को, एनी सब्जेक्ट व्हिच इज प्रिटेनिंग टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस, इसका काम क्या है, डिस्कस करना, डिबेट करना और अपने रिकमेंडेशन देना फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच विल लीड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इसी के ही साथ डिसआर्ममेंट के बारे में बात करता है और ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है. ये इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम आगे बात करेंगे, क्योंकि UN ने एक डेक्लरेशन भी 1948 में has come up with a declaration in 1948 which talks about human rights. वो हम आगे पढ़ेंगे. इसी के ही साथ it talks about the international laws and peaceful arbitration of disputes among different nations. वही तो काम है ना UN का, कि अगर बाकी के जो nations हैं वो आपस में लड़ झगड़ ना जाएं, वर्ल्ड वॉर 3 ना हो जाए, उसको रोकने के लिए आपका UN काम करता है और उसमें आपका जनरल असेंबली जो है एक मेन रोल प्ले करती है. अगर हम सेशंस की बात करें तो जनरल असेंबली के सेशंस कितने होते हैं. जनरल असेंबली के सेशंस होते हैं 3 तरीके के. एक आ गया आपका रेगुलर सेशन, एक आ गया आपका स्पेशल सेशन और एक आ गया आपका इमरजेंसी स्पेशल सेशन. सो नंबर 1 इज द रेगुलर सेशन, जो कब होता है, जो होता है आपका सेप्टेम्बर से डिसम्बर के बीच में, कभी भी हो सकता है. नंबर 2 आ गया आपका स्पेशल सेशन और नंबर 3 आ गया आपका इमरजेंसी स्पेशल सेशन. अब इमरजेंसी की बात है तो कितनी देर में होगा, 24 घंटों के बीच में, विदिन 24 आवर्स. जब कभी भी एक इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है एंड UN नीड्स टू टॉक टू ऑल द मेंबर्स, तो वो क्या करेगा, अपना एक सेशन करेगा और वो सेशन को हम बोलेंगे इमरजेंसी स्पेशल सेशन, जो 24 घंटों के बीच में सेशन करते हैं. अगर हम जनरल असेंबली की बात करें तो जनरल असेंबली क्या क्या अपॉइंट करती है. पहले आ गया इट अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल, जो आपके एंटोनियो गुटेरेस थे, वो अपॉइंट कौन करता है, वो अपॉइंट करता है आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन. कौन रिकमेंड करता है, रिकमेंड करता है आपका यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल. सो ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, उसके ऊपर आपका बनता है सेक्रेटरी जनरल. फाइन. और कितना टाइम पीरियड है सेक्रेटरी जनरल का, इट इज 5 ईयर्स. 5 सालों के लिए आपका एक सेक्रेटरी जनरल, जैसे कि 2017 में आपके पोर्चुगल के बने, तो वो कब तक रहेंगे, 2020 तक रहेंगे. फाइन. इसी के ही साथ, सो दिस इज द फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो ये करता है. नंबर 2 अपॉइंटमेंट करता है ये जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. कहाँ पे है, UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं. UNSC के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स, पर अभी के लिए इतना याद रखो कि UNSC
के 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से आपके 10 नॉन परमानेंट हैं और बाकी के आपके 5 परमानेंट हैं, और वो 5 परमानेंट को हम P5 नेशंस के नाम से भी जानते हैं। फाइन, वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन होंगे वो डिसाइड करेगा आपका UNGA, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसी के ही साथ जो आपके मेंबर्स हैं ECOSCO, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, कितने मेंबर्स हैं? 54 मेंबर्स इसके होते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम इसको भी पढ़ेंगे, बट क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो कितने मेंबर्स हैं? 193 आपके यूएन के हैं। ECOSCO में कितने होते हैं? 54 मेंबर्स होते हैं। उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? UNGA ही इसकी भी अपॉइंटमेंट करता है। इसी के ही साथ आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके भी जजेस कौन अपॉइंट करता है? उसके जजेस भी आपके UNGA ही प्रोवाइड करते हैं। नाउ जो आपके 193 यूएन के मेंबर्स हैं, उन सबके पास होता है एक वोट, ठीक है? क्योंकि मेंबर्स हैं, व्हेन यू आर अ पार्ट ऑफ अ कमिटी, आप किसी कमिटी के पार्ट हो, उसका मेंबर हो, तो आपको क्या सुविधाएं मिलती है? आप कोई भी डिस्कशन में उसका पार्ट ले सकते हैं, डिस्कशन में पार्ट ले सकते हैं, अपने पॉइंट्स को पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं, एंड इम्पॉर्टेंटली आप वोट कर सकते हैं। सो ऑल द यूनाइटेड नेशन मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू वन वोट। कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं, जिसमें से द लेटेस्ट मेंबर टू ज्वाइन यूनाइटेड नेशन इज साउथ सूडान इन 2011। फाइन, अब UNGA का होता है एक प्रेसिडेंट। क्या होता है? प्रेसिडेंट। अब वो प्रेसिडेंट का टाइम ड्यूरेशन क्या है? एनुअली, मतलब हर साल जो प्रेसिडेंट है इट कीप्स ऑन चेंजिंग। सो द प्रेसिडेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, या एनुअली जो है एनुअल सेशंस के लिए जो आपका प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट होता है। फाइन, अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, सो पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन आर, नंबर 1, पैलेस्टीन एंड वैटिकन सिटी। पैलेस्टीन और वैटिकन सिटी क्या है? दे बोथ आर नॉन मेंबर्स। क्या है ये दोनों? दे बोथ आर नॉन मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड, आर टू नॉन मेंबर्स, लेकिन इनके पास क्या स्टेटस है? दे आर ऑब्जर्वर स्टेट्स। तो ये दो ऐसी कंट्रीज हैं जो नॉन मेंबर्स हैं लेकिन ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट ऑब्जर्वर स्टेट्स, कहने का मतलब ये है कोई भी मीटिंग या सेशन हो रहा है ये उसमें बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ओनली द मेंबर्स आर इंटाइटल्ड टू वोट। इनके पास वोटिंग करने का राइट नहीं है। सो पैलेस्टीन एंड वैटिकन सिटी, दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू वोट, बट दे कैन सिट एंड दे कैन पुट फॉरवर्ड देयर पॉइंट्स। नाउ जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें आप एक और चीज याद रखें, दो और कंट्रीज हैं आपकी, वेनेजुएला एंड लिबिया। वेनेजुएला और लिबिया ये दोनों क्या हैं? आपकी मेंबर कंट्रीज हैं। नाउ कहीं कहीं पे आपको मेंबर स्टेट्स भी लिखा हुआ मिलेगा, सो स्टेट्स का मतलब कंट्रीज ही होता है। सो दीज आर मेंबर स्टेट्स, लेकिन पिछले तीन सालों से 3 times इनको वोट नहीं करने दिया है। मेंबर्स हैं, आप वोट कर सकते हैं, लेकिन वेनेजुएला और लिबिया ये दोनों मेंबर्स तो हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से इनको वोट करने को नहीं दिया है। वोट करने को क्यों नहीं दिया है? क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा इनके ऊपर डेट है, जिसके चलते इनको वर्ल्ड बॉडीज ने, जो वर्ल्ड की बॉडीज हैं, इन्होंने उससे बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ है और ये अभी तक उसको पे नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते यूनाइटेड नेशंस ने इनसे जो है आपका वोटिंग करने का अधिकार ले लिया हुआ है। फाइन, सो दैट इज वेनेजुएला एंड लिबिया। और इसी के जो बिल्कुल ऑपोजिट जो आपका पैलेस्टीन और जो वैटिकन सिटी है, ये नॉन मेंबर्स हैं बट दे हैव ऑब्जर्वर स्टेटस। फाइन, नाउ व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट ह्यूमन राइट्स, तो मैंने कहा था कि ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1948 में यूएन ने क्या किया? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को टेक अप किया 1948। नाउ जिसके नाम में ही ह्यूमन राइट्स हैं, सो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, सब समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बात करता होगा। इट टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स के बारे में जो बात करती है बॉडी, इट इज योर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, और वो 1948 में यूएन ने
इसको एडॉप्ट किया था. नाउ क्या इंडिया इसका सिग्नेटरी है? दैट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. यस, इंडिया इज इट्स सिग्नेटरी. सो इंडिया ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स को साइन किया हुआ है. आगे अगर हम सेशंस की बात करें तो भी हाल ही में आप जो आपका 74th सेशन था वो कब हुआ था? 2019 से 2020, क्योंकि एनुअली मिलते हैं और एनुअली ही आपका प्रेसिडेंट चेंज होता है. फाइन, अब जो नेक्स्ट है 75th सेशन वो क्या है? 2020 से लेके 2021. तो ये सेशन जो है इट इज द 75th सेशन, और जो इससे पहले वाला था इट वॉज 2019 से 2020 का, इट वॉज द 74th सेशन. अब यूएन इतनी बड़ी बॉडी है, यूएन को पैसा भी तो चाहिए, क्योंकि यूएन के अंडर जो इतनी ज़्यादा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है, वो काम कैसे करते हैं? जिसमें आपका वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, उनके पास पैसा कहाँ से आया? यूनाइटेड नेशंस जो है उसका बजट कहाँ से आता है? सो यूनाइटेड नेशंस के पास जो पैसा है या जो उसका बजट है वो दो तरीके का होता है. एक हो गया आपका कंपल्सरिली और दूसरा हो गया आपका वॉलंटरिली. नाउ वॉलंटरिली का तो मतलब यही हो गया कि जो वॉलंटरिली पैसा देना चाहता है यूनाइटेड नेशंस को. व्हाट डज कंपल्सरिली मींस? कंपल्सरिली मींस का मतलब ये हो गया कि जो भी मेंबर्स हैं दे आर बाउंड, उनको कुछ ना कुछ पैसा जो है यूनाइटेड नेशंस को देना पड़ता है, और वो डिसाइड भी यूएन करता है. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कंपल्सरिली बजट या पैसा, अब हर कंट्री का जीडीपी एक जैसा नहीं है, हर कंट्री के पास उतना पैसा नहीं है. सो डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशंस और उनके उस कंट्री के ऊपर कितना डेट है, कितना कर्जा है, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक बजट डिसाइड होता है एक कंट्री की द्वारा, एक कंट्री के लिए. वो होता है आपका कंपल्सरीली बजट, जो सबके लिए एक जैसा नहीं है, क्योंकि एवरी कंट्री इज डिफरेंट. हर कंट्री का अपना इकोनॉमिक स्टेटस है, तो इकोनॉमिक स्टेटस और डेट स्टेटस उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए आपका कंपल्सरीली जो बजट है वो डिसाइड होता है, जो आपका यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही डिसाइड करती है. फाइन, अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी हाल ही में United Nations to end tuberculosis and urgent global response to end global endemic. ये एक चीज शुरू हुई है और इसको कब तक खत्म करना है? By 2030 तक UN ने ये चीज adopt की है कि वो क्या करेगी, end कर देगी tuberculosis को. एक bacterial disease है ये. By 2030. Now India is a signatory. India इसका signatory है. लेकिन इंडिया ने क्या टाइम पीरियड लिया है? इंडिया ने बोला है कि हम 2025 तक ही इसको खत्म कर देंगे. सो इंडिया ने बोला है कि 5 years बिफोर जो आपके SDG गोल्स हैं, जो 2030 में पूरे होंगे, उससे 5 साल पहले ही हम इस मुनीम को अटेन कर लेंगे. सो यूएन का क्या टाइम पीरियड है? इट इज 2030. लेकिन इंडिया ने बोला है कि 2025 तक ही हम एंड कर देंगे ट्यूबरक्लोसिस को. फाइन, so this was your introductory lesson or topic on international organization. आज हमने UN के बारे में पढ़ा, League of Nations के बारे में पढ़ा, हमने इसके 6 main organs के बारे में पढ़ा, and we read about or we studied about the United Nations General Assembly. In the coming lectures, we are going to talk about more about the 5 remaining main organs of United Nations, और साथ ही साथ जो भी इनके